हेलो पीपल, वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और अभी हम चला रहे हैं होंडा की नई सीआरवी, बट इन इट्स पेट्रोल इंजन वेरिएंट। इस गाड़ी में आपको मिलता है एक 2 लीटर का पेट्रोल मोटर। दिस इंजन प्रोड्यूसेस 154 पीएस ऑफ पावर एंड 189 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड इट कम्स मैच टू अ सीवीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। अ कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, दैट्स व्हाट द सीवीटी इज। एंड होंडा क्लेम्स ये गाड़ी आपको डिलीवर करेगी 14.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। अब नंबर्स के हिसाब से दिस इज नॉट रियली फार सुपीरियर कंपेयर टू कंपटीशन, बट द सीआरवी विद दिस मोनोकॉक चैसी इज अ लाइट कार कंपेयर टू द लाइक्स ऑफ द टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड द फोर्ड एंडेवर। द एंडेवर डजंट इवन कम विद अ पेट्रोल इंजन, बट द फॉर्च्यूनर डज। एंड द सीआरवी इज अ लिटिल लो ऑन नंबर्स कंपेयर टू द फॉर्च्यूनर, बट इट फील्स लाइट, इट फील्स क्विक ऑफ द लाइन। Now the best part about Honda engines is the refinement. Honda ki petrol engines काफी अच्छी हैं, काफी refined होती है, तो NVH levels एकदम बढ़िया है। You are not hearing the engine noise at all inside the cabin. गाड़ी में engine का बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है। Wind noise is also well controlled. Tire noise थोड़ा है, because you have wider tires and the road conditions right now are not really that great. But on a good tar road, you will not have that problem. इसके बाद देर आर नो वाइब्रेशंस आल्सो व्हिच आर फेल्ट ऑन द ब्रेक पेडल और ऑन द एक्सेलरेटर पेडल्स एंड इवन ऑन द स्टीयरिंग व्हील देर इज नो बज एट ऑल। सो एनवीएस लेवल्स आर रियली गुड, सो यू हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इन दैट डिपार्टमेंट। अब इस गाड़ी में आपको एक सीवीटी गियरबॉक्स मिलता है, सो यू गेट दिस स्टिक शिफ्ट यूनिट ओवर हियर। डीजल वाले वेरिएंट्स में आपने देखा सीआरवी के नई फिफ्थ जनरेशन में डीजल वेरिएंट्स में आपको ये ड्राइव बाय वायर पुश बटन टेक्नोलॉजी मिलती है। सो गियर नॉब नहीं है, आपको सिर्फ बटन प्रेस करने हैं गाड़ी चलाने के लिए। बट हियर ऑन द सीवीटी यू आर गेटिंग दिस स्टिक शिफ्ट, एक कन्वेंशनल गियर सिलेक्टर यूनिट आपको मिल रहा है। एंड इसमें आपको डी मोड, एस मोड और एल मोड्स है फॉर स्टैंडर्ड ड्राइव। And you are not getting paddle shifts on this car. Now this is surprising. The Honda Jazz has paddle shifts. Honda, why are you not offering this on a CR-V? This is going to be an expensive car. No paddle shifts is a big and glaring omission, especially when the diesel is getting it and this is not. So we were really, really disappointed by this fact. अब इंजन परफॉर्मेंस जो है अभी सुनिए, हमने पेडल प्रेस किया है, पेडल टू द मेटल। बिकॉज दिस इज अ सीवीटी, इंजन रेव करेगी ऑल द वे क्लोज टू द रेड लाइन टिल इट गेन्स मोमेंटम एंड टिल यू ईज ऑफ योर फुट फ्रॉम द थ्रॉटल। इट इज द टिपिकल रबर बैंड इफेक्ट ऑफ अ सीवीटी गियरबॉक्स, और इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो। द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज दैट यू ड्राइव इन अ स्लो एंड सेडेट फैशन। थ्रॉटल इनपुट आप अच्छे से मॉड्यूलेट कीजिए, फुल्ली डिप्रेस मत कीजिए, क्योंकि जब आप फुल्ली पेडल प्रेस करोगे तो इंजन रेव्स बढ़ेंगे और इंजन नॉइज आ जाएगा टिल यू गेन अ डिसेंट ऑन अ मोमेंटम व्हिच प्लीजेस यू एंड देन यू रिलीज द थ्रॉटल। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है, बट द कार डज फील अ लिटिल स्लो फॉर दिस प्राइस। इट डज फील अ लिटिल स्लो। होंडा की नई सीआरवी ये फिफ्थ जनरेशन मॉडल इज गोइंग टू कॉस्ट ओवर 30 लाख रुपीज फॉर श्योर। इसकी लॉन्च अभी एक या दो हफ्ते में होने वाली है। And for this price, we really expected more performance and better equipment. The CVT gearbox doesn't really feel that great. Of course, it is convenient if you are driving this car in the city, because there will be seamless gear shifts, because there are actually no gear shifts. The CVT unit is just one gear for your standard front directional drive and offers you a nice jerk-free experience. Lekin, iske alawa, agar aapko is gaadi ko enthusiastically chalana hai, then it's not that great. थ्रॉटल इनपुट लेकिन गाड़ी का काफी अच्छा है। थ्रॉटल आप जब प्रेस करते हो, इफ यू मॉड्यूलेट द थ्रॉटल नाइसली, गाड़ी मोमेंटम गेन करती है। इट इज क्विक बिकॉज इट इज लाइट, यू जस्ट फील दैट द कार इज मेकिंग स्विफ्ट प्रोग्रेस। इट इज जस्ट दैट द सीवीटी गियरबॉक्स टेक्स अवे द चार्म। इसके बाद इस गाड़ी में भी एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अभी आपको एक स्पीड वार्निंग आती है एट 80 किलोमीटर पर आवर।
So you have to make sure that you adhere to speed limits. If you cross the speed limits, if you cross 80 kilometers per hour mark, you will hear a beep. And if you go on higher speed, these beeps are more audible and are more pronounced. Stick shift technology actually hum zyada prefer karte hain. Humne jab diesel variant chalaya, usme wo push button technology hai. As per novelty factor, wo kafi acha hai. You feel nice because it is new, something so cool and funky. But when you are driving, this is much faster. उस वेरिएंट में जब आप बटन प्रेस करते हो देयर इज अ स्लाइट लैग जब आपको गाड़ी रिस्पॉन्ड करेगी टू द इनपुट्स यू आर मेकिंग सो यू नो व्हाट इन द लॉन्ग रन मे बी यू विल डिसलाइक इट सम पीपल वुड नॉट रियली केयर अबाउट इट बट वी आर जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दैट दैट इज द केस राइड क्वालिटी इज एज प्रिडिक्टेबल एज एनी अदर होंडा सस्पेंशन सेटअप इज नाइस ऑल्दो द कार राइड्स ऑन 18 इंच व्हील्स राइड क्वालिटी इज नॉट रियली हार्ड आपको थोड़े बहुत बम्प्स फील होते हैं ऑन बैड पैचेस But then that's what you have to expect when a car is riding on such large rims. And overall, the packaging is pretty okay. Now, compared to the older CR-V, the new CR-V in its petrol variant is offering you a lot more creature comforts, is offering you a lot more looks and better appeal and everything. But in terms of performance, there's not really a graph which is growing up really nicely. So if you have an old CR-V and if you plan to buy this new generation, fifth generation CR-V, There's not something that is going to make or break the deal for you, but you are not going to feel too wowed with this car. Of course, it looks great, but we are talking about performance here, and the performance is pretty average. There's nothing really to talk home about. Braking performance काफी अच्छा है, ground clearance is decent, कोई भी problems आपको city में feel नहीं होंगे. Honda इस गाड़ी को position कर रहे हैं as a urban SUV, not really a hardcore off-roader. इसमें भी आपको ऑल व्हील ड्राइव जरूर मिलता है एंड द ऑल व्हील ड्राइव फंक्शंस इन अ वे कि अगर आप किसी इंक्लाइन पे हो सो इट पावर्स द रेयर व्हील्स मोर सो यू गेट इनफ ट्रैक्शन इफ यू आर ड्राइविंग इन ट्विस्टी रोड्स इट जस्ट मॉड्यूलेट्स द पावर डिलीवरी टू द फ्रंट एंड रेयर व्हील्स सो दैट यू ड्राइव इन अ नाइस एंड स्टेबल वे गाड़ी में आपको स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है एबीएस मिलते हैं ईबीडी मिलते हैं ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं हिल होल्ड असिस्ट भी मिल रहा है सो द कार गेट्स ऑल द सेफ्टी फीचर्स व्हिच यू माइट एक्सपेक्ट एंड ऑफ कोर्स देयर आर प्लेंटी ऑफ एयरबैग्स टू कीप यू सेफ इन केस देयर इज एन एक्सीडेंट सो दैट्स अबाउट इट द होंडा सीआरवी पेट्रोल द न्यू फिफ्थ जनरेशन होंडा सीआरवी पेट्रोल इट इज एज प्रेडिक्टेबल एज इट वॉज It comes with a lot more features now. It feels a lot more premium. It looks like an evolved version of the CR-V. And it just has an inoffensive design. इस गाड़ी में आपको कुछ ज्यादा ऐसे पॉइंट्स नहीं है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये गाड़ी मुझे नहीं लेनी है Of course, it has a lot of elements why you will think that you need this car. Because A, it is so light. For a 7-seater, ये गाड़ी बहुत ही आसान है चलाने को. And you will be very happy with it. कमेंट्स में हमें बताइए क्या लगता है आपको इस गाड़ी के बारे में व्हाट डू यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन सुनने के बाद व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट क्या आपको लगता है ये गाड़ी अंडर पावर्ड है क्या आपको लगता है इसमें थोड़ी पावर होंडा ने डिलीवर करनी चाहिए थी व्हाट डू यू थिंक इज दिस बेटर देन द फॉर्च्यूनर इज दिस इंफीरियर टू द फॉर्च्यूनर वुड यू कंपेयर इट टू द कोडियाक व्हाट इज योर ओपिनियन टिल नेक्स्ट टाइम ड्राइव सेफ ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू हैव सम फन इवन दो The fuel prices are skyrocketing because for the love of motoring, we really like to be behind the wheel. Goodbye.